ही हमको तुम गाना क्वेश्चन पूछ रहे, एक एक शब्द का एक एक बात का जवाब दूंगा। इस अवधि के बीच में किन किन समाजों को और किस किस नीति के थ्रू, क्योंकि इसमें नीति बनी हुई है, नियम नहीं बने हुए, इसमें एक नीति बनी हुई है कि उस नीति के थ्रू आपने ये उनको अलॉटमेंट करा, और किन किन समाजों को ये अलॉटमेंट करा उसकी सूची पटल पे दे। माननीय मंत्री, अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप चुप रहिए। माननीय सर, चुप कर दीजिए, ज्यादा नहीं बोल रहे बीच में, मत बोलिए बीच में, ये काम मेरा है। और मंत्री जी सक्षम है, आपसे नहीं पूछ रहे। सदन को धमका रहे हो या हमको धमका रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए? आप धमकाने की कोशिश मत करिए, आपसे धमके ये जो जमीनें अलॉट करी और किस नीति के थ्रू करी। मेरे दो सवाल हैं मंत्री जी से, एक तो ये क्वेश्चन पूछने से कम पूरे राजस्थान का भला हो गया कि आपने 12/7 को ये ऑर्डर निकाल दिया। मेरा मूल प्रश्न ये था कि चुनाव आचार संहिता जो 15/3/24 को लगी थी, उससे लोगों ने ऑफलाइन ओब्लिक ऑनलाइन आवेदन मामलों में जो सरकार छूट दे दी है, उसकी कार्रवाई हुई है या नहीं? आप करोगे या नहीं करोगे? एक सेकंड, एक पूरा मेरे को पढ़ने दीजिए। नहीं तो इसके लिए आवेदक की क्या गलती? आवेदक की कोई गलती नहीं, उसने तो आवेदन करा और आचार संहिता लग गई। और लोक कल्याण की राज्य सरकार है आपकी, आप खुद कहते हैं ये चीज कि लोक कल्याण की सरकार है और आम जन को समानता का अधिकार है, और ये समानता का अधिकार कोई आपने हमने नहीं दिया है, ये हमारे प्रीएम्बल में। प्रश्न मेरा ये है कि उन विचारों की जिनकी गलती नहीं है, जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जिनने अप्लाई करा और आपने डिमांड नोटिस नहीं दिए क्योंकि आपकी आचार संहिता लगी थी 45 दिन राजस्थान सरकार की और 45 दिन लोकसभा के चुनावों की वजह से, या तो आप 45 दिन में उनको डिमांड नोटिस दे दें, उनने तो अप्लाई कर रखा है। एक तो प्रश्न ये है मेरा। दूसरा, आपने मेरा खंड 3 का जो जवाब दिया कि 1/10/21 से लेके 15/3/24 तक हमारा ये अभियान चला, और कालीचरण जी ने पहले सत्र में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने कहा कि हमने 45 संस्थाओं को एक साल के अंदर आपने प्लॉट्स अलॉट करे। मैं ये चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इस अवधि के बीच में किन किन समाजों को और किस किस नीति के थ्रू, क्योंकि इसमें नीति बनी हुई है, नियम नहीं बने हुए, इसमें एक नीति बनी हुई है कि उस नीति के थ्रू आपने ये उनको अलॉटमेंट करा, और किन किन समाजों को ये अलॉटमेंट करा उसकी सूची पटल पे दें। माननीय मंत्री, अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप चुप रहिए। चुप कर दीजिए, ज्यादा नहीं बोल रहे बीच में, ज्यादा मत बोलिए बीच में, ये काम मेरा है। और मंत्री जी सक्षम है, आपसे नहीं पूछ रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय सदस्य उत्तर आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि समाजों को जो भी भूमि आवंटित हुई है वो मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर उनका निस्तारण हुआ है, और इनकी संख्या अलग अलग जगह अलग अलग है। मैं ये सूची टेबल कर दूंगा और एक प्रति माननीय सदस्य को भी प्रेषित करवा दूंगा। नंबर 2, विधानसभा की आचार संहिता आपके समय में लगी, लोकसभा की आचार संहिता हमारे समय में लगी। 15 मार्च को आचार संहिता लगी,
लोकसभा की, अगर किसी ने आवेदन पहले से लंबित था और किसी भी निकाय को उसने ऑनलाइन डिमांड नोट के लिए आवेदन किया कि मेरा आवेदन फला समय से लंबित है, अब तक मुझे डिमांड नोट नहीं मिला है, या ऑफलाइन अगर किसी ने आवेदन किया और उसकी प्राप्ति रसीद उसके पास है, अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आएंगे तो हम उन पे जरूर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उनका निस्तारण रियायती दर पर करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेंगे। माननीय मंत्री जी, अब सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अनुमति होगी। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रोक इसलिए लगाई है, हम आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें जितनी अनियमितताएं हुई उसमें अब तक 260 पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं, 25 FIR दर्ज हो चुकी हैं और दर्जनों शहरी निकायों से पत्र जावक रजिस्टर और संबंधित पत्रावलियां गायब हैं, जिनके हम जांच करवाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हमको करनी है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट पे मेरा पूरा सुनने में आपके एक-एक शब्द का एक-एक बात का जवाब दूंगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी नगर पालिका राजाखेड़ा में पिछले दो दिन से तीन दिन से आपके दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी 45 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पे हैं। 1.5 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए सदन में, आपसे वो तो क्योंकि आप लोगों ने हमारी मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा, क्यों रुकी हुई है, क्योंकि हमने अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा जो सदन को अवगत करना चाहते हैं और सदन की तरफ से अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएगा तो हम उस पे भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं पूरी गंभीरता से विचार करके और उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे। एक चीज सुन ले, आप बोल लिया। मैंने कह दिया, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा, एक शब्द का जवाब दूंगा, आपको भी अवसर मिलेगा। राजा खेड़ा में 31,17,000 आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, राजा खेड़ा का क्वेश्चन नहीं पूछा, बैंक से निकले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ, ऑडिट ने पकड़ा, FIR दर्ज हुई, तीन व्यक्तियों को अपराधी नामित किया गया। पहले अनुसंधान में पत्रावली स्थानांतरित हुई दूसरे जिले में, उनमें से एक को बाहर कर दिया गया, दो के खिलाफ चालान पेश हुआ, न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, अपील हुई वो भी खारिज हो गई, और ये पता नहीं चल पाया कि 31,17,172 रुपयों के कोई पंख लगे क्या, जो बैंक से निकल कर कहीं बाहर चले गए और रिकॉर्ड में दस्तावेज में नहीं आए, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं तपाई, हम इनके भी जांच करवा रहे हैं। और सुनिए भी तो, धौलपुर में पिछले 5 वर्ष में, ये मेरा क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज इट टॉकिंग, 41 पट्टे मेरा क्वेश्चन है क्या, जिसमें से आप क्या आपके सदन को धमका रहे हो या हमको धमका रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए, पट्टे आप धमकाने की कोशिश मत करिए, आपसे धमकेंगे नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, आपका संरक्षण चाहिए, आपको बोली नहीं रहे, क्वेश्चन क्या पूछा है, हम सबकी जांच क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी लग गई क्वेश्चन पूछा से इनकी मिर्ची लग गई, हम कोई क्वेश्चन नीति आप उसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए,
मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा मंत्री महोदय, उसका जवाब दीजिए। बातों को मत बदलिए। क्या बोलिए आप तो बातों को बदल रहे हो। आप बताइए किस नीति के थ्रू, किस नीति के थ्रू आपने, पिछली सरकार ने ये जो जमीनें अलॉट करी वो किस नीति के थ्रू करी। और दूसरा, आपने ये बड़ी जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये मत दिखाइए। मैं नीति पूछ रहा हूँ सर। आप बैठो। अरे आप बैठो। माननीय मंत्री जी इनको पूरे प्रश्न पूछने दो। माननीय मंत्री जी, माननीय आप राजा, हाँ बोलो, प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूँ किस नीति के थ्रू आपने ये जमीन अलॉट करी, एक चीज। दूसरा, जो आप इतना लंबा भाषण, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए। मैं नीति पूछ रहा हूँ, लिस्ट नहीं चाहिए। आप तो प्रश्न पूछो सर। नीति पूछ रहा हूँ, पूछो नीति, पूछ लिया माननीय मंत्री जी। और ये मेरे को, मैं अपने पटल से ले लूंगा, मेरे को मत दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा। मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। सर, किस नीति के थ्रू इन्होंने ये अलॉटमेंट कराई, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए, आप नीति बताइए माननीय मंत्री जी, नीति पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति ने निर्णय लेकर किया है, अब उसकी समीक्षा चल रही है। गलत है उसको निरस्त करेंगे और सही है उसको कर देंगे। अगला प्रश्न श्री गौर सर।